Yarriyan fame actor Himansh Kohli visited Bennett University to address the students of MassCom and tell them how MassCom played an important role in his career selection and progress. कैसे मिला मैंने स्टार्टेड मुझे लगता था जर्नलिज्म मेरे कुछ काम का नहीं होगा उस समय क्योंकि मुझे तो एक्टिंग करनी है मुझे फिल्म्स में काम करना है बट देन इट वाज ऑल अबाउट नॉलेज क्योंकि जर्नलिज्म से जितनी नॉलेज हमें मिलती है एंड वी गेट टू नो कि व्हाट एग्जैक्टली न्यूज इज ऑल अबाउट दैट हेल्प क्योंकि आज एंटरटेनमेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माई इंडस्ट्री आई वुड से जब भी हम लोग न्यूज पेपर खोलते हैं मोस्टली सभी लोग डेली टाइम्स ही खोल के देखते होंगे टाइम्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट पेज सबसे कम देखते हैं हम डेली टाइम्स ज्यादा देखते हैं तो मैंने अपना इंटरेस्ट भी वैसे ही पकड़ लिया उससे आई गॉट टू नो कि मुझे कल को अपने ड्रीम्स की तरफ जब बढ़ना है तो वो कैसी न्यूज आर्टिकल्स के अंदर अपने आपको प्लेस करवाना होगा या मुझे अपने आप को कहाँ देखना है तो उन आर्टिकल्स के द्वारा आल्सो शेयर्ड विद स्टूडेंट्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रेडियो मिर्ची एज एन इंटर्न So radio happened to be one of my favorite courses. I never wanted to be a radio jock because again it was all about acting. But then बहुत कम लोगों को पता होगा मैंने radio मिर्ची में भी कुछ time के लिए intern किया and that was the best time of my life. That the best time of my life I would say. मेरा life का सबसे ज़्यादा confidence मैंने वहाँ से gain किया था. मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं radio के अंदर कहीं से fit नहीं होता क्योंकि there are a lot of people they talk and If you not hear what I'm talking, then you cannot hear radio talk. No, that's just a myth. मैं कभी भी बोल नहीं पाता था मुझे नहीं पता था कि कॉन्टेंट क्या होना चाहिए क्या लिखते हैं कैसे क्या होता है But there were a lot of RJs हमारे लिए मिर्ची At that time it was RJ नावेश खान I'm sure आपने सुना होगा मुझे बोलता सुना होगा And Saima was there, Safia was there And a lot of other RJs उन सभी लोगों के साथ में मैंने वहाँ पे इंटर्न किया बहुत कुछ सीखा रेडियो के बारे में It just started with a telephonic, we call that telos. उस समय होता था वहाँ पे मशीन को telos बोलते थे। और सभी लोगों के interviews In the end, students of mass communication clarified their doubts regarding film industry from Himansh. Is it true that you have to change yourself to be in order to be accepted in the entertainment industry? Select हुआ तो कुछ बदलाव की वजह से नहीं हुआ। They pick me up for what I am. You never have to change yourself. The moment you change, probably आई वुड से कि आप अपने आप से कॉन्फिडेंस लूज कर सकोगे क्योंकि जो आप हो अगर आप उसी से बदल जाओगे हाउ विल यू कन्विंस द वर्ल्ड